इस कहानी की शुरुआत में हमें रेमी नाम के चूहे को दिखाया जाता है जो फ्रांस के एक गांव में अपनी कॉलोनी के साथ रहा करता था। लेकिन रेमी बाकी चूहों से बेहद अलग था क्योंकि उसमें सूंघने और चखने का अनोखा हुनर था। रेमी का भाई एमिल उसके इस हुनर से काफी खुश होता है, लेकिन रेमी के डैड को ये हुनर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मानते थे कि उन्हें जो भी कचरा मिलता है उन्हें वो खा लेना चाहिए। तभी वो एक सड़ा हुआ सेब खाने लगते है, लेकिन तभी रेमी को सूंघकर समझ आ जाता है कि उस सेब में चूहे मारने की दवाई मिली हुई है जिससे रेमी के डैड की जान बच जाती है। इससे वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन इससे उन्हें एक आइडिया आता है और वो रेमी को जेल इंस्पेक्टर बना देते हैं जिससे सभी चूहे कोई भी चीज खाने से पहले रेमी से उसे चेक करवाते थे। इस काम से रेमी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रेमी को सड़ी हुई चीजें अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो अच्छी चीजें ही खाता था। वो अपने डैड को कहता है कि हमें किचन से अच्छी चीजें चुरा कर खानी चाहिए क्योंकि उसमें जहर होने का कोई खतरा नहीं होता। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि हमें किचन और इंसानों से हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन रेमी उनकी बात नहीं सुनता और वो हर रात सबसे छिपकर किचन में जाया करता था क्योंकि वो वहाँ जाकर गुस्तों को देखा करता था जो पेरिस के मशहूर शेफ थे, और रेमी भी उनकी तरह ही बेहतरीन शेफ बनना चाहता था, इसीलिए उनके शो को हमेशा देखा करता था जिससे वो सभी चीजों के स्वाद को समझ चुका था और वो नई नई डिश बनाना चाहता था। इसीलिए वो अगले दिन अपने भाई एमिल के साथ वापस उसी घर में जाता है जहाँ वो मसाले और चीजें चुराने लगते है ताकि रेमी अपनी एक स्पेशल डिश बना सके। तभी वहाँ टीवी में गुस्तों का शो आने लगता है जिसमे बताया जाता है की गुस्तों की डेथ हो चुकी है क्योंकि फ्रांस के मशहूर फूड क्रिटिक एंटन इगो ने अपने लेख में गुस्तों के खाने की आलोचना की थी जिससे गुस्तों के होटल का एक स्टार कम हो गया था और गुस्तों इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और गुजर गए। इससे रेमी काफी सैड हो जाता है, लेकिन तभी उस घर की मालकिन रेमी और उसके भाई को घर पर देख लेती है जिससे उन्हें मारने के लिए उन पर फायर करने लगती है। ये देख कर एमिल काफी ज्यादा डर जाता है और वो उस घर के रूप पर बनी अपनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगता है जिससे वो ओल्ड लेडी जब अपने घर की छत पर शूट करती है तो पूरी छत ही नीचे गिर जाती है और सभी चूहे वहाँ से भागने लगते हैं। वो ओल्ड लेडी सभी चूहों को मारने के लिए उन पर अटैक करने लगती है, लेकिन सभी चूहे वहाँ से बचकर बोट से निकल जाते हैं। लेकिन रेमी गुस्तों की किताब लेने की वजह से पीछे रह जाता है और वो अपने बाकी कॉलोनी वालों के पास नहीं पहुँच पाता जिससे रेमी सभी से बिछड़ जाता है और वो नाले के पानी में बहकर कहीं दूर चला जाता है। वो वही कई दिनों तक अपनी फैमिली के आने का इंतजार करता है, लेकिन कोई उसे लेने नहीं आता। रेमी काफी परेशान हो जाता है, वो गुस्तों की किताब पढ़ने लगता है, लेकिन रेमी को अपनी इमेजिनेशन की वजह से गुस्तों दिखाई देने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी पिछली बातों को भुलाकर आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, इसीलिए तुम्हें बाहर ऊपर की दुनिया में जाना चाहिए। तो रेमी भी उनकी बात मान लेता है और जब वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो पेरिस में है। ये देख कर वो बहुत खुश होता है और उसे वहाँ गुस्तों का रेस्टोरेंट भी दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाने के लिए निकल जाता है। वही हमें रेस्टोरेंट के अंदर किचन को दिखाया जाता है जहाँ सभी शेफ काम कर रहे थे। तभी वहाँ अल्फ्रेडो लिंग्विनी नाम का एक लड़का आता है जो गुस्तों की गर्लफ्रेंड रेनाटा का बेटा था जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। लिंग्विनी अपनी माँ का लिखा हुआ लेटर चीफ शेफ स्किनर को देता है और कहता है कि मेरी माँ चाहती थी कि आप मुझे कोई नौकरी देंगे, तो स्किनर उसे नौकरी देने से मना कर देता है। तो एक कुक उसे कहता है कि हमने इसे नौकरी पर रख लिया है। इससे स्किनर बहुत गुस्सा हो जाता है। तो सुपरवाइजर उसे बताता है कि हमें एक सफाई वाले की जरूरत थी, इसीलिए हमने इसे काम पर रख लिया। तो स्किनर इससे खुश होता है कि उसने उसे सफाई का काम दिया है और वहाँ से चला जाता है। लिंग्विनी अपने काम पर लग जाता है और उससे वहाँ से गलती से सूप नीचे गिर जाता है, तो उस सूप को उठाकर उसे वापस बनाने लगता है ताकि किसी को पता न चले। लेकिन उसे सूप बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो उसमें अपने हिसाब से ही सब्जियाँ डालने लगता है। रेमी भी ये सब होटल के ऊपर से देख रहा होता है और वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो सूप को बर्बाद कर रहा था और कोई उसे देख भी नहीं रहा था। इसीलिए वो गुस्तों को कहता है कि आपको कुछ करना होगा, ये आपका रेस्टोरेंट है। तो गुस्तों से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन हूँ। तभी रेमी नीचे गिर जाता है और वो सभी कुक से बचता हुआ सूप तक पहुंचता है जहां उस सूप को ठीक करने के लिए उसमें इंग्रेडिएंट डालने लगता है और उस सूप को बहुत ही स्वादिष्ट बना लेता है। लेकिन उसको ये सब करते हुए लिंग्विनी भी देख लेता है, इसीलिए जब रेमी वहां से भागने लगता है तो लिंग्विनी उसे एक टोकरी में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर शेफ स्किनर भी पहुँच जाता है जो जब देखता है कि लिंग्विनी सूप बना रहा है तो वो बहुत गुस्सा होता है। लेकिन तभी वेटर उस सूप को लेकर बाहर कस्टमर के पास ले जाता है जिससे स्किनर गुस्सा होकर लिंग्विनी को नौकरी से निकालने लगता है। लेकिन तभी वेटर आकर उन्हें बताता है कि सभी कस्टमर को सूप बहुत पसंद आया। इससे स्किनर बहुत हैरान होता है और उसे ना चाहते हुए भी लिंग्विनी को कुक बनाना पड़ता है। तभी रेमी भी वहाँ टोकरी से निकलकर भागने लगता है, लेकिन तभी स्किनर उसे देख लेता है और सभी उस चूहे को पकड़ने लगते है और लिंग्विनी रेमी को एक जान में बंद कर लेता है। तो स्किनर उसे कहता है कि इसे बाहर ले जाकर मार दो क्योंकि अगर किसी ने यहाँ चूहे को देख लिया तो हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। तो लिंग्विनी उस चूहे को मार
मारने के लिए नदी के पास ले जाता है, लेकिन उसे नहीं मारता क्योंकि उसे पता होता है कि वो शुभ रेमी ने बनाया था। इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कुक की नौकरी तो मिल गई थी लेकिन उसे खाना पकाना नहीं आता था। तभी लिंगविनी देखता है कि वो चूहा उसकी बातों का इशारों में जवाब दे रहा है। इससे वो बहुत खुश होता है और वो रेमी से कहता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता पर तुम्हें आता है और तुमने जो सूप बनाया था वो सभी को काफी पसंद आया, इसीलिए हम दोनों मिलकर उस सूप को दोबारा बना सकते हैं। फिर वो रेमी को बाहर निकाल देता है लेकिन रेमी जार से आजाद होते ही वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर लिंगविनी काफी सैड हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर रेमी वापस उसके पास आ जाता है। इससे लिंगविनी बहुत खुश होता है और उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह जब लिंगविनी की आँख खुलती है तो देखता है कि रेमी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। इससे वो बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करके रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचने पर लिंगविनी रेमी को अपनी शर्ट में छिपा लेता है। फिर जब वो किचन के अंदर जाता है तो स्किनर उसे कहता है कि तुम्हें वो सूप दोबारा बनाना होगा चाहे तुम्हें कितना ही टाइम लगे। फिर वो सूप बनाने लगता है लेकिन लिंगविनी को कुछ नहीं आता था, इसीलिए रेमी उसके हाथ पर बैठ करके उसे इशारों में बताने लगता है। लेकिन इससे लिंगविनी को बहुत दर्द होता है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे परेशान होकर लिंगविनी रेमी को लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ सभी सब्जियाँ रखी हुई थी। लिंगविनी रेमी से कहता है कि हम इस तरह से साथ में काम नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम दोनों को कोई दर्द ना हो। तभी स्किनर उस रूम में आ जाता है। यह देखकर लिंगविनी रेमी को अपनी हेड में छिपा लेता है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है जहाँ वो रास्ते में वेटर से टकराने लगता है, लेकिन तभी रेमी लिंगविनी को उसके हेयर से कंट्रोल करता है जिससे वो वेटर से टकराने से बच जाता है। लिंगविनी को कुछ समझ नहीं आता और वो वॉशरूम में जाता है जहाँ वो रेमी से पूछता है कि तुमने कैसे किया, तो रेमी उसे हेयर की मदद से कठपुतली की तरह कंट्रोल करके बताता है। इससे उन दोनों को एक आइडिया आता है कि वो इस तरह से साथ मिलकर खाना बना सकते हैं। फिर वो घर आकर दोनों साथ में खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और दिन रात कोशिश करने के बाद फाइनली वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल कर पाते हैं। फिर अगले दिन लिंगविनी वापस वो सूप बना लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि रेमी उसकी हेड में छिपकर उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन स्किनर उसे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें सूप के अलावा भी कुछ बनाना होगा, तो कोलेट उसकी मदद करती है और उसे सब कुछ सिखाने लगती है। वो उसे बताती है कि हमें बहुत फास्ट काम करना चाहिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर आते हैं और हमेशा हमें अपनी टेबल को साफ रखना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्किनर जब अपने रूम में जाता है तो वो वहाँ अपने लिए आए सारे लेटर चेक करता है, जिसमें उसे लिंगविनी की माँ रेविटा का लेटर मिलता है। और जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि लिंगविनी गुस्तों का ही बेटा है। इससे वो काफी परेशान हो जाता है और वो अपने वकील टेलोन को वहाँ बुला लेता है, जो उसे बताता है कि गुस्तों ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी मौत के 2 साल बाद तक उनका कोई वारिस नहीं आता तो उनका रेस्टोरेंट उनके सूशेफ यानी कि स्किनर को दे दिया जाएगा। तो स्किनर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन वो लड़का गुस्तों का बेटा है और मुझे लगता है कि वो कोई साजिश कर रहा है। तो टेलोन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक नौकर है और मैं गुस्तों के DNA से उसके DNA को मैच करूंगा ताकि साबित हो सके कि उसका बेटा नहीं है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब रेस्टोरेंट में वेटर ऑर्डर लेने जाता है तो कस्टमर उसे कहते हैं कि आपका सूप बहुत अच्छा है लेकिन हम हर बार एक ही ऑर्डर तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें कोई नई डिश चाहिए। इससे वेटर काफी परेशान हो जाता है। वो किचन में आकर स्किनर और बाकी सभी से कहता है कि कस्टमर लिंगविनी के हाथ की बनी हुई नई डिश मांग रहे हैं। इससे स्किनर को एक आइडिया आता है ताकि वो लिंगविनी को काम से निकाल सके, इसीलिए वो लिंगविनी को गुस्तों की सबसे बेकार डिश रंगेशाही बनाने को कहता है। कोलेट भी लिंगविनी की वो डिश बनाने में मदद करने लगती है लेकिन रेमी को पता चल जाता है कि वो डिश सही नहीं है, इसीलिए उस डिश को अपने हिसाब से बनाने लगता है। इससे कोलेट बहुत गुस्सा हो जाती है लेकिन वेटर उस डिश को बाहर ले जाता है और वो डिश सभी को बहुत पसंद आती है, इसीलिए उस स्पेशल डिश के बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं। स्किनर इससे काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो लिंगविनी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। लेकिन लिंगविनी ने रेमी को बाहर आराम करने के लिए छोड़ दिया था, इसीलिए स्किनर को उसके बारे में पता नहीं चलता। स्किनर लिंगविनी को वाइन पिलाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो इतनी अच्छी अच्छी डिशेस कैसे बना रहा है, लेकिन लिंगविनी उसे कुछ नहीं बताता। वही रेमी बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उस तरफ जाता है तो उसका भाई एमिल होता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और फिर उसे किचन से लाकर खाना खिलाता है। एमिल रेमी को कहता है कि तुम्हें फौरन कॉलोनी चलना चाहिए, वहाँ डेड और बाकी सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन रेमी वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अब लिंगविनी का काफी अच्छा दोस्त बन गया था और साथ ही अब उसके शेफ बनने का सपना भी पूरा हो रहा था, इसीलिए उसकी मदद करना चाहता था। तो एमिल उसे कहता है कि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता, तो रेमी उसकी बात मान लेता है और उसके साथ कॉलोनी जाता है जहाँ रेमी के डैड और बाकी सब उससे मिलकर बहुत खुश
होते हैं। वो रेमी के आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। रेमी के डेड रेमी को कहते हैं कि हमने तुम्हारी जगह जितने भी जहर इंस्पेक्टर बनाए वो सभी बेकार थे, लेकिन अब तुम लौट आए हो। तो रेमी अपने डेड को कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे एक दोस्त मिल गया है, इसलिए मैं यहाँ कभी कभी आता जाता रहूंगा। और आप जैसे इंसानों के बारे में सोचते हैं वो वैसे नहीं है, और वैसे भी मैं इस दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। तो रेमी के डेड उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ एक शो पर चूहे मारने के सामान रखे हुए थे। रेमी से काफी डर जाता है। तो रेमी के डेड रेमी को कहते हैं कि जब एक चूहा इंसानों के ज्यादा करीब जाता है तो उसे या तो मार दिया जाता है या जहर दे दिया जाता है, इसीलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सिर्फ हमारे अपने ही अपनों के काम आएंगे। तो रेमी उन्हें कहता है कि मैं नहीं मानता कि मेरे साथ भी यही होगा। तो रेमी के डैड उसे कहते हैं कि प्रकृति है और प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तो रेमी उन्हें कहता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसीलिए इसकी शुरुआत भी हमसे ही होगी। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होते होते वो रेस्टोरेंट पहुँच जाता है जहाँ वो देखता है कि लिंगविनी वही बेहोश पड़ा हुआ है क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा वाइन पी ली थी। तभी वहाँ कोलेट भी आने लगती है। ये देखकर रेमी लिंगविन को बालों की मदद से कंट्रोल करने लगता है, लेकिन जब लिंगविनी कोलेट की बातों का जवाब नहीं देता तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम खास हो, लेकिन लिंगविनी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, इसीलिए उसे जोरदार पंच मारती है जिससे लिंगविनी की आँख खुल जाती है। कोलेट लिंगविनी को कहती है कि अगर मैं खुद गर्ज होती तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करती, मैं चाहती थी कि तुम कुछ बनो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो लिंगविनी उसे रोक लेता है और उसे बताने लगता है कि मुझे पकाना नहीं आता और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जब मैंने तुम्हारी बताई रेसिपी के साथ एक्स्ट्रा मसाले डाल दिए थे तो मैं नहीं था, लेकिन कोरेल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। तो लिंगविनी उसे कहता है कि मैं किसी छोटे शेफ की मदद लेता हूँ जो मेरी खाना बनाने में मदद करता है, और वो अपनी हेट हटाकर उसे रेमी के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी रेमी उसे कंट्रोल करके आगे धकेल देता है जिससे वो दोनों एक दूसरे से किस कर लेते हैं। वही हमें फ्रांस के मशहूर क्रिटिक एंटन हिगो को दिखाया जाता है जिन्हें एम्बेसडर मिनियन आकर बताता है कि गुस्तो का रेस्टोरेंट फिर से चलने लगा है और मशहूर हो रहा है। इससे एंटन हिगो बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि गुस्तो की मृत्यु के बाद वो रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा। वही हमें स्किनर को दिखाया जाता है जिसे उसका वकील टेलोन बताता है कि मैंने लिंगविनी का डीएनए चेक किया है और वो गुस्तो का ही बेटा है। इससे स्किनर काफी परेशान हो जाता है। वो अपने वकील को कहता है कि मैं उसे नौकरी से भी नहीं निकाल सकता क्योंकि अगर मैंने उसे निकाल दिया तो लोग उसके बारे में छानबीन करेंगे और सबको सच पता चल जाएगा कि वो गुस्तो का बेटा है। तो टेलोन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो गुस्तो का बेटा है। वही हमें दिखाया जाता है कि कोलेट और लिंगविनी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसीलिए वो दोनों साथ में घूमने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में लिंगविनी की कैब गिर जाती है जिससे रेमी भी नीचे गिर जाता है। सभी लोग रोड पर चूहे को देखकर काफी डर जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर रेमी वहाँ से भागने लगता है और वो नीचे गटर में आ जाता है। रेमी से समझ जाता है कि वो भले ही कितना भी बड़ा बावर्ची क्यों ना हो, लेकिन दुनिया उसे सिर्फ एक चूहे की नजरों से ही देखेगी। फिर जब वो रेस्टोरेंट वापस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एमिल अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आ गया था, इसलिए रेमी को ना चाहते हुए वहाँ किचन से खाना लेने जाना पड़ता है। लेकिन जिस रूम में खाना रखा होता है वो रूम लॉक होता है, इसलिए वो स्किनर के ऑफिस में चाबी लेने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे कबर्ड में गुस्तों की वसीयत दिखाई देती है। और जब उसे बाहर निकाल कर पढ़ता है तो समझ जाता है कि लिंगविनी गुस्तों का बेटा है और वो इस रेस्टोरेंट का असली मालिक है। इससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ स्किनर आ जाते हैं और वो रेमी को वहाँ देख लेता है। ये देखकर रेमी वो वसीयत लेकर वहाँ से भागने लगता है तो स्किनर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन स्किनर उसे पकड़ नहीं पाता और रेमी उसके हाथों से बचकर निकल जाता है। फिर जब स्किनर वापस रेस्टोरेंट पहुँचता है तो वो देखता है कि कोलेट और लिंगविनी उसके रूम में मौजूद होते हैं और उन्हें पता चल गया होता है कि लिंगविनी गुस्तों का बेटा है और वही इस होटल का असली मालिक है, इसलिए स्किनर को नौकरी से निकाल देते हैं। इससे वो सब बहुत खुश होते हैं और अब लिंगविनी अपने नए घर में रेमी के साथ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन लिंगविनी की कामयाबी से स्किनर काफी जल रहा होता है, इसीलिए उन सब पर नजर रखने लगता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि लिंगविनी के पास कोई चूहा है। इसीलिए वो हेल्थ इंस्पेक्टर को कॉल कर देता है और उसे कंप्लेन कर देता है ताकि वो गुस्तो रेस्टोरेंट में आकर चूहे की जाँच कर सके, लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अभी मैं बिजी हूँ, इसीलिए मैं कुछ दिनों के बाद आऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब सभी रिपोर्टर लिंगविनी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो सभी उससे उसकी तरक्की के राज के बारे में पूछते हैं और रेमी को लगता है कि उसके बारे में कहेगा, लेकिन लिंगविनी कहता है कि मैं गुस्तों का बेटा हूँ, इसीलिए ये मेरे खून में है। और वो बताता है कि मुझे कोलेट से प्रेरणा मिलती है। इससे रेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो लिंगविनी को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ एंटनी को आ जाते हैं जो लिंगविनी से मिलने आए थे। वो उसे कहते हैं कि कल मैं यहाँ काफी उम्मीद के बाद
वापस आऊंगा, इसीलिए दुआ करना कि मुझे खाना अच्छा लगे। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लिंगविनी से कभी परेशान हो जाता है और रेमी को कहता है कि तुम मुझे प्रेस के सामने परेशान क्यों कर रहे थे। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो उसे रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ, इसीलिए अब तुम बाहर रहो और अपना दिमाग शांत करो। स्किनर भी ये सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि वो चूहा असली बावर्ची है जिसने वो स्पेशल डिश बनाई थी। रेमी को भी काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो रात को अपने डेड और पूरी कॉलोनी को लेकर स्टोर रूम में चला जाता है जहाँ सारा खाना रखा हुआ था। वो सभी वहाँ से खाना चुराने लगते हैं। वहीं हमें लिंगविनी को दिखाया जाता है जो रेमी को ढूंढ रहा होता है, इसीलिए वो वापस रेस्टोरेंट आता है। ये देखकर वहाँ बाकी के सभी चूहे छिप जाते हैं। रेमी लिंगविनी के सामने आता है। लिंगविनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मेरे साथ बहुत कम वक्त में बहुत कुछ बदल गया है और अब मैं गुस्तों का बेटा हूँ, इसीलिए मुझे बहुत कुछ साबित करना है वरना लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। और फिर उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मुझे नहीं भूलना चाहिए था कि मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ पहुँचा हूँ। तभी वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे चूहे खाना चुरा रहे हैं। इससे वो समझ जाता है कि रेमी उन्हें यहाँ लेकर आया है, इसीलिए वो रेमी पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, इसीलिए वहाँ से सभी को बाहर निकाल देता है। और रेमी को कहता है कि अब कभी वापस मत आना वरना मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो एक चूहे के साथ किया जाता है। इससे रेमी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपने डेड को कहता है कि आप सही कह रहे थे कि हम सिर्फ चूहे हैं। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लिंगविनी ईगो की वजह से काफी परेशान होता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो कोई नई डिश ऑर्डर ना कर दे। तभी वेटर वहाँ आकर पूरे स्टाफ को बताता है कि ईगो आ गया है। वहीं हमें रेमी को दिखाया जाता है जो होटल के बाहर से ये सब देख रहा होता है। तभी एमिल भी वहाँ आ जाता है और उसे कहता है कि तुम काफी परेशान हो लेकिन मुझे भूख लगी है, इसीलिए वो बाहर पड़ा कचरा खाने लगता है। लेकिन वहाँ स्किनर ने एक ट्रेप बिछा रखा था। रेमी वो ट्रेप देख लेता है, इसीलिए वो एमिल को आगे से हटा देता है लेकिन वो खुद उस ट्रेप में फंस जाता है और स्किनर रेमी को अपनी कार में बंद कर देता है ताकि रेमी फिर से लिंगविन की मदद ना कर सके। वहीं हमें होटल में दिखाया जाता है कि वेटर ईगो से ऑर्डर लेने के लिए जाता है तो ईगो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे शेफ की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मुझे कोई नई सोच वाली डिश चाहिए जो मेन्यू में नहीं है और बाकी के सभी कस्टमर भी स्पेशल डिश ऑर्डर करते हैं, इसीलिए सभी कुक लिंगविनी से पूछते हैं कि तुमने वो डिश कैसे बनाई थी। तो लिंगविनी उन्हें कहता है कि मुझे वो डिश बनानी नहीं आती, वो मुझसे गलती से बन गई थी। इससे वो काफी परेशान हो जाता है, वो अपने ऑफिस में चला जाता है। वही हमें रेमी के भाई एमिल और उसके डेड को दिखाया जाता है जो रेमी को बचाने के लिए स्किनर की कार पर पत्थर गिरा देते हैं जिससे कार की डिक्की खुल जाती है और वो रेमी को पिंजरे से आजाद कर लेते हैं। फिर रेमी भागता हुआ रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है और जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो वहाँ सभी रेमी को देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन लिंगविनी सभी को रोक लेता है और वो रेमी को वापस आने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो अपने पुराने स्टाफ को अपनी सच्चाई बताता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता और वो जितनी भी स्पेशल डिशेज मैंने बनाई थी वो असल में चूहे की थी और यही असली कुक है जो मेरी हेड में छिपा रहता था और इसने वो खाना बनाया जो सबको पसंद आता था। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और सभी को लगता है कि वो पागल हो गया है, इसीलिए वो सभी अपना काम छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और कोलेट को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। लिंगविनी इससे काफी उदास हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। वही कोलेट भी लिंगविनी के बारे में सोचकर काफी परेशान होती है कि तभी उसे रास्ते में गुस्तों की भूख दिखाई देती है कि कोई भी पका सकता है। वही रेमी भी काफी परेशान होता है कि तभी उसके पास उसके डैड आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे दोस्त को गलत समझा था। फिर अपनी पूरी कॉलोनी को वहाँ बुला लेते हैं और वो रेमी से कहते हैं कि हम बावर्ची तो नहीं है लेकिन हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी वहाँ हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है जो होटल को चेक करने आया था और वो वहाँ इतने सारे चूहों को देख लेता है, इसीलिए रेमी के डैड अपने कुछ चूहों को हेल्थ इंस्पेक्टर को पकड़ने भेजते हैं। वही रेमी सभी चूहों को साफ करता है और उन सभी को अपना अपना काम समझा देता है और सभी रेमी के इंस्ट्रक्शन पर काम करने लग जाते हैं। लिंगविनी भी इससे काफी खुश होता है और वो अब वेटर बनकर सभी को डिश सर्व करने लग जाते हैं। तभी कोलेट भी वहाँ पहुँच जाती है और वो इतने सारे चूहों को देखकर काफी हैरान होती है। तभी लिंगविनी वहाँ आ जाता है और उससे मिलकर बहुत खुश होता है। तो कोलेट उसे कहती है कि वो चूहा ईगो के लिए क्या बनाना चाहता है। तो रेमी उन्हें अपनी डिश दिखाता है जो रेटेटुई होती है जो किसानों की डिश होती है। तो कोलेट वो डिश बनाने लगती है तो रेमी उसे रोकता है। फिर अपने तरीके से उस डिश को बनाने लगता है और कुछ ही देर में वो डिश बना लेता है। फिर लिंगविनी उस डिश को ईगो को सर्व करने लगता है। ईगो जैसे ही वो डिश खाता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो अपनी माँ के साथ गांव में रहा करता था और उसकी माँ उसे रेटेटुई खिलाया करती थी। इससे वो बहुत खुश होते हैं और वो उस डिश को बड़े चाव
चाव से खाने लगते हैं। स्किनर भी वहाँ मौजूद होता है और वो ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो किचन में आकर सभी से पूछने लगता है कि रेटेटुई किसने बनाई, लेकिन तभी चूहे उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे भी हेल्थ इंस्पेक्टर के पास छोड़ देते हैं। वही ईगो खाने के लिए लिंगविनी का शुक्रिया अदा करते हैं, तो लिंगविनी उन्हें कहता है कि मैं आज सिर्फ आपका वेटर हूँ और आज खाना मैंने नहीं बनाया है। तो ईगो से कहते हैं कि मैं उस शेफ से मिलना चाहता हूँ, तो लिंगविनी को कुछ समझ नहीं आता और वो कोलेट को इसके बारे में बताता है। तो कोलेट ईगो से कहती है कि अगर आपको शेफ से मिलना है तो आपको कस्टमर के जाने का इंतजार करना होगा। तो ईगो भी उसकी बात मान लेते हैं। फिर रात को जब सभी कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं तो लिंगविनी ईगो को रेमी से मिलवाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि इतने दिनों से यही खाना बना रहा था। लेकिन ईगो को ये मजाक लगता है, लेकिन फिर उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनके सामने खाना बनाने लगते हैं। लेकिन ईगो कुछ जवाब नहीं देते और खाने के लिए शुक्रिया कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब उन्हें समझ आ जाता है कि शेफ गुस्तो सही कहते थे कि कोई भी पका सकता है, जिसका मतलब था कि हर कोई अच्छा कलाकार नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा कलाकार कहीं से भी आ सकता है। और फिर अगले दिन जब उनका लेख प्रिंट होता है तो उसमें वो रेमी के खाने की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो फ्रांस का सबसे अच्छा बावर्ची है, इसीलिए मैं जल्दी गुस्तों में खाना खाने वापस आऊंगा। इसे लिंगविनी और कोलेट बहुत खुश होते हैं, लेकिन हेल्थ इंस्पेक्टर गुस्तों रेस्टोरेंट को बंद कर देता है क्योंकि उसने वहाँ चूहों को देख लिया था। लेकिन इससे लिंगविनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना एक नया रेस्टोरेंट रेटेटुई नाम से खोल लेता है, जिसमे लिंगविनी रेमी और कोलेट साथ में काम करते हैं। और अब सभी कस्टमर उस होटल में आने लगे और रेमी की कॉलोनी भी वही साथ में रहने लगी थी, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।